उत्तराखंड की प्रतिनिधि लोक कथाएं, संपादन एवं संयोजन जाफर अली। कहानी का शीर्षक एक खुटिया राज में, संकलनकर्ता शेर सिंह पांगती। एक राजा का लड़का जन्म से लंगड़ा था। बहुत इलाज करने पर भी ठीक न होने के कारण बचपन में ही उसकी टांग काटनी पड़ी थी। वो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ तो था ही, लाठी के सहारे एक ही टांग से तेज चलने में अभ्यस्त भी था। लेकिन पड़ोस के लड़के जब एक खुटिया राजकुमार यानी एक पांव का राजकुमार कहकर उसका उपहास किया करते थे, तो इस अपमान से वो बहुत रुष्ट हो जाता था। वो सोचता, यदि उसे अधिकार मिले तो वो सबकी टांग काट एक खुटिया बना देता। राजा के मरने के बाद राजगद्दी का अधिकारी तो राजकुमार ही था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले राजाज्ञा प्रसारित की कि उस राजदरबार में मंत्री, राजपुरोहित तथा अन्य सभी राजदरबारी अब एक टांग वाले ही होंगे। राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले दरबारियों की एक टांग काट दी जाएगी। राजकुमार के इस आदेश से राजदरबार में अफरा तफरी मच गई। दरबारी घबरा कर भागने लगे और दूर दूर से लंगड़े लोग दरबार में आकर विभिन्न पदों पर नियुक्ति पाने लगे। अब उसे एक खुटिया राजकुमार अथवा एक खुटिया राजा कहने का साहस भी कोई नहीं कर सकता था। परंतु उसका ये राज्य एक खुटिया राज के नाम से जाना जाता था। पड़ोसी का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति उसके राज में जाने का साहस नहीं कर पाता था। ऐसे लोगों का उसके राज में अपमान ही अधिक होता था। एक बार मूंगा मोती का एक व्यापारी लंगड़ा होने का अभिनय करते हुए एक खुटिया राज के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने मूंगा मोती बेचने के लिए उसे रनिवास भेज दिया। रनिवास की महिलाओं ने मूंगा मोती की माला खरीदकर उसे पुनः आने का आग्रह किया। कुछ वर्षों पश्चात जब वो व्यापारी मूंगा मोती बेचने पुनः आया, तो उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व से राजकुमारी सम्मोहित होने लगी और वो उसे राजमहल में ही रहने का आग्रह करने लगी। व्यापारी दिन भर दूर दूर के गांव में जाकर सामान बेचता और सायं राजमहल लौट आता था। राजकुमारी के आग्रह से अब राजमहल में उसके भोजन और आवास की समुचित व्यवस्था की गई थी और उसका सम्मान भी होने लगा था। धीरे धीरे राजकुमारी उस तरुण व्यापारी से प्रेम करने लगी। वो ये भी जान गई कि ये व्यापारी लंगड़ा नहीं है, अपितु लंगड़ा होने का अभिनय कर रहा है। उस तरुण व्यापारी का राजकुमारी के साथ बढ़ते प्रेम संबंध को देखकर दरबारी उससे द्वेष करने लगे और उसे मारने के षड्यंत्र रचने लगे। वो व्यापारी के विरुद्ध राजा के कान भी भरने लगे। राजकुमारी बहुत चतुर थी। उसे दरबारियों के षड्यंत्र का पता लग चुका था। उसने व्यापारी को इन दरबारियों से सचेत रहने का आग्रह भी किया। राजकुमारी के कहने पर राजा ने व्यापारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई न करे उसे शीघ्र राज्य से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। एक दिन जब व्यापारी अपना सामान समेट कर चुपचाप एक खुटिया राज देश छोड़कर जा रहा था, चार दरबारी उसका पीछा करने लगे। जब राजकुमारी को यह पता चला, तो उसने व्यापारी को आवाज दी कि वो सम, दलदल और नम वाली भूमि की ओर भागे। जो ही वो दलदल वाली भूमि में चलने लगा, दरबारी भी पिस्सू की भांति फुदक कर उसे पकड़ने के लिए बढ़ने लगे। परंतु पांव दलदल में धस जाने के कारण वो बाहर नहीं आ सके तथा व्यापारी अपनी दोनों टांगों के सहारे दलदल से सावधानी पूर्वक बाहर निकलकर दूर भागने में सफल हो गया। इस प्रकार राजकुमारी ने एक खुटिया राज के दरबारियों के षड्यंत्र से अपने प्रेमी को बचा लिया।